अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ द्वारा यूनियन हॉल में राष्ट्र निर्माण में एएमयू के योगदान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में भीम आर्मी, पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आदि के प्रमुखों ने उपस्थित रहकर अपने विचार रखे। भीम आर्मी के चंद्रशेखर का छात्र संघ के पदाधिकारियों ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया, जहां पर चंद्रशेखर के साथ आए उनके साथियों ने चंद्रशेखर के समर्थन में और मोदी के विरोध में नारे भी लगाए। मन से बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि एएमयू ने देश को एक से बढ़कर एक विभूतियां दी है, जब भी एएमयू को जरूरत होगी वह साथ देंगे। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने वाले मुसलमानों का वे दिल से सम्मान करते हैं। मुल्क व दुनिया में इस्लाम की कल्चर बेहतरीन है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे यहां आकर अच्छा लगा। मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर उनका कहना था कि जो गलत आदमी है, जिसने देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उसके खिलाफ नारे लगना स्वाभाविक है। एग्जिट पोल पर उनका कहना था कि ये सही हुआ तो जो लोग बीजेपी के अलावा चुनाव में भाग ले रहे थे उनको शर्मानी चाहिए, उन लोगों को सड़क पर आना चाहिए था। अगर लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए आपस में टकराते रहे तो उनको ही नुकसान होगा। अहमियत क्या है एमयू की, देश के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया था, उसी में शरीक होने आया था, उसके बाद रोजा अफ्तारी का प्रोग्राम था, तो मैं दोनों प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आया। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ के, ये बहुत अच्छी जगह है और बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिला। आपके कार्यक्रम के दौरान मोदी मुर्दाबाद के नारे भी काफी लगे, किस तरीके से? जो गलत आदमी है उसके मुर्दाबाद के नारे लग सकते, जिसने देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया हो तो उसके मुर्दाबाद के नारे लगना स्वाभाविक। जिस तरह का एग्जिट पोल आ रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए जनाब, जो जिन पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया है प्रशांत नीचे उनसे पूछेगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर एग्जिट पोल सही हुआ तो जो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे बीजेपी के अलावा, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिन पहले से कह रहे थे ईवीएम ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपको रोड पैनल। इस अवसर पर पीस पार्टी के अय्यूब अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एग्जिट पोल आए हैं, अभी 23 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा, 23 तारीख का इंतजार करें, जनता जिसको चुनेगी बेहतर चुनेगी, पीस पार्टी परिणाम आने के बाद अपना रोल अदा करेगी। तो एग्जिट पोल का रिजल्ट आ गया है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, इंतजार हम लोग कर रहे हैं 23 तारीख का। क्या मानते हैं सर आप? 23 तारीख का जनता जो भी जिसको चुनेगी वो बेहतर चुनेगी। नहीं, अब इसमें कुछ मेरा तो कुछ मुझे नहीं लगता कि हमारा कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन है। इंडी पोल आ गया है 23 तारीख को, मुझे लगता है कि सबको इंतजार करना चाहिए। CEN न्यूज के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार के साथ राज पांडे की रिपोर्ट।